गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू थिंक आई चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस घटना चक्र दृष्टि, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ईयर्स करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी प्रीलिम्स। लेट अस बिगिन द टॉपिक। ऑपरेशन और अभियान, आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक 90 दिवसीय अंतर मंत्रालयीय अभियान लॉन्च 28 अप्रैल 2022 को इंट्रा मिनिस्ट्रियल कैंपेन लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य देश भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 चुने हुए जिलों में 9 मंत्रालयों की 17 योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ये जिले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 99 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जन्म स्थान से जुड़े हैं। खंजर 2022, भारत और किर्गिस्तान, इन दोनों के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह हिमाचल प्रदेश में सम्पन्न। कौन सी जगह? बकलोह हिमाचल प्रदेश। किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। 25 मार्च से 6 अप्रैल 2022। IMEX 2022, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण गोवा और अरब सागर में आयोजित 26 से 30 मार्च 2022। कैच द रेन अभियान, कैच द रेन कैंपेन 2022, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्षा जल के संरक्षण का शुभारंभ नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया 29 मार्च 2022 को। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। तो कैच द रेन कब तक चलेगा? 30 नवंबर 2022 तक चलेगा, अभी चल रहा है। महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ, केंद्रीय MSME मंत्रालय मंत्री नारायण राणे द्वारा लॉन्च 7 मार्च 2022 को। मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास 2022, भारत और ओमान की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित 21 से 25 फरवरी 2022। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022, बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास US नेवी द्वारा गुवाम तट USA में आयोजित 5 से 20 जनवरी 2022। कौन सी जगह पर? गुवाम तट पर। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, कनाडा और साउथ कोरिया की नौसेनाओं नेवीज़ ने भाग लिया था। 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2021, भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच मालदीव में संपन्न हुआ 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2021, 20 से 24 नवंबर 2021। ब्लू फ्लैग 2021, बहुपक्षीय जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ग्रीस तथा अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास ओवदा एयरबेस इसराइल में संपन्न अक्टूबर 2021। कौन सा? ब्लू फ्लैग 2021 इम्पॉर्टेंट है। कोंकण शक्ति 2021, भारत और UK के सशस्त्र बलों के बीच पहले त्रिसेवा अभ्यास का समुद्री चरण अरब सागर में संपन्न 24 से 27 अक्टूबर 2021। मित्र शक्ति 2021, भारत एवं श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा श्रीलंका में आयोजित 4 से 15 अक्टूबर 2021। जयपेड़ 2021, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास निझनी रूस में आयोजित 3 से 16 सितंबर 2021। ऑसिनडेक्स 2021, भारतीय नौसेना एवं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 4वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में आयोजित 6 से 10 सितंबर 2021। इंद्र 2021, भारत और रूस की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में प्रूडबॉय अभ्यास रेंज में आयोजित 1 से 13 अगस्त 2021। जायद तलवार 2021, भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE की सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास नेवी एक्सरसाइज आबू धाबी तट पर आयोजित 7 अगस्त 2021। कैटलेस एक्सप्रेस 2021, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जिबूती, मेडागास्कर, सेशेल्स और केन्या में आयोजित 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021। पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक अभ्यास EU NAV4 अभ्यास 2021, EUNAVFOR।
अध्ययन की खाड़ी में आयोजित 18 से 19 जून 2021। आयोग और समिति देख लेते हैं। वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पुनर्गठित फरवरी 2022। इस समिति के अध्यक्ष इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच हेतु समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित 12 जनवरी 2022। इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच हेतु सचिव सुरक्षा कैबिनेट सचिवालय सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित 25 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित 21 सितंबर 2021 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष इसरो के पुराने पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इस समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति, और ये किसने लागू करी है, गठित करी है शिक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2021 को। इस समिति का कार्यभार या इस समिति का कार्यकाल इसकी अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष का होगा, तो 3 साल का कार्यकाल होगा। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति एवं टास्क फोर्स कोयला मंत्रालय द्वारा गठित 7 सितंबर 2021। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज FIPI के महानिदेशक RK मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित की गई। इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने अपर सचिव कोयला विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2021 अगस्त में। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन इस समिति के अध्यक्ष थे। परिवर्तनीय पूंजी कंपनी VCC पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट डॉक्टर KP कृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के अध्यक्ष इंजेति श्रीनिवास को सौंपी 1 जून 2021 को। बात करते हैं सम्मेलन और समारोह की। महानिदेशक DG स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता 2022 नई दिल्ली में संपन्न 5 मई 2022 को। फिर अगला है मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित 18 से 21 नवंबर 2022 को 21वां सम्मेलन होगा। इसका मुख्य विषय है बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। यह पहली बार भारत में आयोजित होगा। यहाँ पे कुछ गायब है, मिसिंग है। लॉजी सेम वायु 2022 राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स सेमिनार भारतीय वायुसेना द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 28 अप्रैल 2022 को। मुख्य विषय ऑर्केस्ट्रेटिंग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फॉर एयर कॉम्बैक्ट ऑपरेशंस भारतीय शहरों में लैंगिक और विकलांगता समावेशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 28 से 30 अप्रैल 2022। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 पेरिस फ्रांस में आयोजित 22 से 24 अप्रैल 2022 को। इस महोत्सव में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया था। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF मंत्री स्तरीय बैठक 2022 Washington DC USA में आयोजित 21 अप्रैल 2022। 7वां भारत फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन 2022 डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में आयोजित 25 से 27 अप्रैल 2022। भारतीय फार्मा 2022 की थीम इंडिया फार्मा विजन 2047 भविष्य के लिए परिवर्तनकारी एजेंडा। भारत चिकित्सा उपकरण 2022 के लिए मुख्य विषय नवाचार और एकीकृत सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव। आतंकवाद और संगठित अपराध पर भारत इटली संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक 2022 रोम इटली में आयोजित 1 अप्रैल 2022 को। क्वांटम प्रौद्योगिकी पर
भारत इसराइल द्विपक्षीय कार्यशाला 2022 न्यू दिल्ली में आयोजित 5 से 6 अप्रैल 2022, पांचवा भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय साइबर संवाद 2022 लंदन यूके में आयोजित 11 से 12 अप्रैल 2022, वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 आयुष मंत्रालय द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित 20 से 22 अप्रैल 2022, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 सिंगापुर में आयोजित 17 से 21 अप्रैल 2022, इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने वर्चुअल माध्यम से भारत की ओर से प्रतिभाग किया। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित 18 से 22 अप्रैल 2022, चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम 2022 दुबई UAE में संपन्न 28 से 30 मार्च 2022। मुख्य विषय था कनेक्टिंग माइंड्स टूवर्ड्स अचीविंग द SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू इंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट COVID-19। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 29 से 30 मार्च 2022, मुख्य विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का पहला चरण राज महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में संपन्न 26 से 27 मार्च 2022। इस महोत्सव का दूसरा और तीसरा चरण क्रमशः 29-30 मार्च और 1 से 3 अप्रैल 2022 को वारंगल और हैदराबाद में आयोजित किया गया। दूसरा कब हुआ? 29 से 30 मार्च को वारंगल में और तीसरा कब हुआ? 1 से 3 अप्रैल 2022 को हैदराबाद में। 53वां IHGF दिल्ली मेला 2022 इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट दिल्ली NCR में आयोजित 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022। 9वां विश्व जल फोरम 2022 डकार रिपब्लिक ऑफ सेनेगल में आयोजित 21 से 26 मार्च 2022, मुख्य विषय शांति और विकास के लिए जल सुरक्षा। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022, मेले का थीम राज्य जम्मू और कश्मीर, मेले का भागीदार देश उज्बेकिस्तान। विंग्स इंडिया 2022 नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम हैदराबाद स्थित बेगम पेट हवाई अड्डे पर आयोजित 24 से 27 मार्च 2022, मुख्य थीम भारत एट 75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। भारत एट 75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। 36th समिट हुई है 2022 की, वर्चुअली हुई है, नई दिल्ली में आयोजित हुई है 20 से 22 मार्च 2022 को। थीम है इसकी भू विज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। यहाँ पे कुछ मिसिंग है। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित 7 से 10 मार्च 2022 को, मुख्य विषय एक अस्थिर अनिश्चित जटिल एवं अस्पष्ट VUCA दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य सेवा। तो इसका मुख्य विषय क्या है? VUCA है, एक अस्थिर अनिश्चित जटिल और अस्पष्ट दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य सेवा, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना स्पेन में आयोजित 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 को। स्वच्छाग्रह स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह 2022 आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत न्यू दिल्ली में आयोजित 5 मार्च 2022 को। संस्कृति मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से आयोजित, क्या चीज़ आयोजित? स्वच्छाग्रह स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह 2022। 7वां भारतीय उद्योग जल सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित 2 से 3 मार्च 2022, इसका आयोजन फिक्की द्वारा किया गया। ओसियंस OCENS 2022 वैश्विक समुद्री सम्मेलन एवं प्रदर्शनी IIT मद्रास और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित 21 से 24 फरवरी 2022, थीम है इंस्पायर इनोवेट एंड सस्टेन, इंस्पायर इनोवेट सस्टेन, पहली बार भारत में आयोजित। 5वीं समेट 2022 यहाँ पे कुछ मिसिंग है, नैरोबी केन्या में आयोजित 28 फरवरी से 2 मार्च 2022, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं 2022 बैठक हुई है आगरा उत्तर प्रदेश में संपन्न 1 से 2 मार्च 2022। तीसरा
NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 3 से 4 मार्च 2022। मुख्य विषय नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। मेदाराम जतारा उत्सव 2022 एशिया का सबसे बड़ा जनजाति द्विवार्षिक उत्सव तेलंगाना में आयोजित 16 से 19 फरवरी 2022। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी TERI द्वारा वर्चुअली आयोजित 16 से 18 फरवरी 2022। मुख्य विषय टूवर्ड्स अ रेजिलियंट प्लानट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022 विश्व के बड़े पुस्तक मेलों में से एक सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड साल्ट लेक कोलकाता में आयोजित 28 फरवरी से 13 मार्च 2022। थीम कंट्री कौन सी? बांग्लादेश। चौथी क्वाड विदेश मंत्री बैठक तो ये हुई मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न 11 फरवरी 2022 को। इसमें भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, तो विदेश मंत्रियों की बैठक थी। वन ओशन समिट 2022 फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस में आयोजित 9 से 11 फरवरी 2022। 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन 2022 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा वर्चुअली आयोजित 11 से 12 जनवरी 2022। थीम है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। 18वां कचाई लेमन महोत्सव 2022 मणिपुर राज्य के उखरूल जिले के कचाई गांव में संपन्न 13 से 14 जनवरी 2022। मुख्य विषय थीम कौन सी है? सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू, ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ एनवायरनमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 वर्चुअली पुदुचेरी में आयोजित 12 से 13 जनवरी 2022। थीम है सक्षम युवा, सशक्त युवा। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 गुवाहाटी असम में संपन्न 7 से 9 जनवरी 2022। थीम है कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न 4 से 5 दिसंबर 2021। थीम है हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी, इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 वर्चुअली आयोजित 25 से 27 नवंबर 2021। थीम है इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 पणजी गोवा में आयोजित 10 से 13 दिसंबर 2021। थीम है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 कोहिमा नागालैंड में आयोजित 27 से 29 नवंबर 2021। पहला अहर बाल महोत्सव 2021 कुलगाम जम्मू कश्मीर में आयोजित 9 नवंबर 2021। आपदा प्रबंधन पर 5वीं रिपोर्ट 2021 नई दिल्ली में आयोजित 24 से 27 नवंबर 2021। थीम है पैंडेमिक्स COVID-19 के विशेष संदर्भ में आपदा प्रतिरोध के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी वित्त एवं क्षमता। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित 17 से 19 नवंबर 2021। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी के गरौठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल माध्यम से आयोजित 18 से 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में आयोजित 13 से 14 नवंबर 2021। 40वां शारजा कहाँ पर है? UAE में। 40वां शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 शारजा UAE में आयोजित 3 से 13 नवंबर 2021। थीम है देयर इज़ ऑलवेज अ राइट बुक। 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 14 से 27 नवंबर 2021। थीम आत्मनिर्भर भारत, भागीदार राज्य बिहार, फोकस राज्य उत्तर प्रदेश झारखंड। 7वीं पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 रोम इटली में आयोजित 7 से 8 अक्टूबर 2021। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 20 से 23 सितंबर 2021
थीम है शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। फिल निप्पान 2021 विश्व डॉक टिकट प्रदर्शनी जापान में आयोजित सितंबर 2021। भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली माध्यम से आयोजित 24 से 27 अगस्त 2021। भागीदारी राज्य तमिलनाडु, फोकस राज्य हरियाणा। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2021 सांता मार्गरेटा लिगूर इटली में आयोजित 26 अगस्त 2021। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने इस सम्मेलन में वर्चुअली माध्यम से भाग लिया। इप्सा भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 वर्चुअली संपन्न। 12 अगस्त 2021 को यह बैठक भारत में या भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली माध्यम से आयोजित 21 जुलाई 2021 को थीम है भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत मजबूती, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली माध्यम से संपन्न 6 से 8 जुलाई 2021 को। थीम है साझा समृद्धि के लिए रोड मैप विकसित करना, डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। संधि समझौता गृह मंत्रालय सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता। केंद्रीय सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 6 मई 2022 को। तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए समझौता रेलवे सुरक्षा बल RPF और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के मध्य इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 6 मई 2022 को। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन को बचपन बचाओ आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। भारत जर्मनी के मध्य संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। दोनों देशों के मध्य कृषि पारिस्थितिकी व प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षरित 2 मई 2022 को। वन पारिदृश्य की बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर। वन परिदृश्य की बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर। इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर। भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA लागू 1 मई 2022 से। इस CEPA के तहत भारत से संयुक्त अरब अमीरात आभूषण उत्पादों की पहली खेप भेजी गई भारत द्वारा कहाँ पर UAE की तरफ। दोनों देशों के मध्य यह CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित हुआ। हिमाचल प्रदेश में रोपवे के निर्माण हेतु समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मध्य राज्य में पर्वतमाला योजना के अंतर्गत रोपवे के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित 26 अप्रैल 2022 को। इस समझौता ज्ञापन के तहत राज्य में 3,232 करोड़ रुपए की लागत से 57.1 किलोमीटर लंबी 7 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। आई क्रिएट CSIR से के मध्य समझौता। आई क्रिएट और CSIR के मध्य समझौता। गुजरात सरकार के प्रमुख प्रौद्योगिकी इंक्यूबेटर इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी आई क्रिएट और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के मध्य भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता का उपयोग करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 25 अप्रैल 2022। नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास हेतु समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 25 अप्रैल 2022। नीति आयोग यूनिसेफ इंडिया के मध्य समझौता दोनों संस्थानों ने देश में बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने की दिशा में काम करने हेतु एक आशय वक्तव्य SOI पर हस्ताक्षर किए 21 अप्रैल 2022 को। दोनों संस्थान भारत में बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान विषय पर भारत की पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान विषय पर भारत की पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत जापान के मध्य समझौता केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
जल शक्ति मंत्रालय और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन सहयोग ज्ञापन MOC को कार्योत्तर मंजूरी 13 अप्रैल 2022 को। सेबी FRC मंगोलिया के मध्य समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी और वित्तीय नियामक आयोग FRC मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी MOU साइन हुआ 8 अप्रैल 2022 को। NTPC गुजरात गैस लिमिटेड के मध्य समझौता। दोनों के मध्य पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन का सम्मिश्रण करने हेतु समझौता 5 अप्रैल 2022 को। NTPC कवास में गुजरात गैस लिमिटेड GGL के पाइप्ड नेचुरल गैस PNG नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण करेगी। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे हेतु समझौता। असम और मेघालय राज्य के बीच समझौता हस्ताक्षरित 29 मार्च 2022 को। इस ऐतिहासिक समझौते पर नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। NMDC IIT खड़गपुर के मध्य समझौता। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC और IIT खड़गपुर के मध्य ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित MOU साइंड 16 मार्च 2022। NMDC देश में खनिजों के अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भू भौतिकी सर्वेक्षण और हाइपर स्पेक्ट्रिकल अध्ययन करने वाला भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मध्य समझौता। दोनों के मध्य नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस और नवाचार केंद्र की स्थापना हेतु मेजबान देश समझौता HCA हस्ताक्षरित 3 मार्च 2022 को। भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मध्य समझौता। दोनों के मध्य नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना हेतु मेजबान देश समझौता HCA हस्ताक्षरित 3 मार्च 2022 को। भारत नेपाल के मध्य समझौता। दोनों देशों के मध्य सरकार से सरकार G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट व्यवस्था के तहत किसानों को रासायनिक उर्वरकों की लंबी अवधि तक की आपूर्ति हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 28 फरवरी 2022 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के मध्य धारचूला भारत धारचूला नेपाल के मध्य महाकाली नदी पर सेतु के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी 6 जनवरी 2022। तो धारचूला दोनों जगह पड़ता है भारत में और नेपाल में, तो उसके बीच में महाकाली नदी पर सेतु का निर्माण किया जा रहा है, ब्रिज बनाया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच NIUA के मध्य समझौता। भारत आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के मध्य संयुक्त रूप से डिजाइनीकृत सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम पर सहयोग करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 24 फरवरी 2022 को। विश्व आर्थिक मंच NIUA के मध्य समझौता। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के मध्य संयुक्त रूप से डिजाइनीकृत सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम पर सहयोग करने हेतु समझौता ज्ञापन MOU साइंड 24 फरवरी 2022 को। विश्व बैंक भारत सरकार कर्नाटक सरकार उड़ीसा सरकार के मध्य समझौता। कर्नाटक एवं उड़ीसा में वाटरशेड प्रबंधन को मजबूत करने हेतु $115 मिलियन की परियोजना रिवॉर्ड REWARD रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए 2022 में। उन्नत हेलीकॉप्टर ALH MK3 के निर्यात पर समझौता। इस हेलीकॉप्टर के निर्यात हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और मॉरिशस सरकार के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित 19 जनवरी 2022 को। IGEL SECI के मध्य समझौता। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड IGEL ने 4,667 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के साथ
एक समझौते पर हस्ताक्षर किया 14 दिसंबर 2021 को। यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा हरित बिजली खरीद समझौता है। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बेहतर बनाने हेतु समझौता। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के मध्य 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को मजबूत करने और बेहतर बनाने हेतु $300 मिलियन का ऋण समझौता हस्ताक्षरित 24 नवंबर 2021 को। 13 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल शामिल हैं। पहला हरित सावधि ऋण समझौता। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड REL ने पहले हरित सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए 29 सितंबर 2021 को। 500 करोड़ रुपए का यह ऋण समझौता प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर हासिल हुआ है। ऋण की अवधि 15 वर्ष की है। NFL, RCF और IFFCO के मध्य समझौता। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO के मध्य एक परिवर्तनकारी नैनो यूरिया तरल उर्वरक के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 27 जुलाई 2021 को। भारत विश्व का पहला देश है जिसने नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। संघ संगठन। देश का 100वां यूनिकॉर्न बंगलुरु स्थित न्यू बैंक प्लेटफॉर्म ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बना 2 मई 2022 को। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होता है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है, लगभग 75,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यह बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल खाता एग्रीगेटर AA अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बना 2022 को। CSIR और CDC का विलय। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के साथ परामर्श विकास केंद्र CDC के कर्मचारियों, चल संपत्ति और देनदारियों सहित विलय को मंजूरी 27 अप्रैल 2022। यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन के बीच हुई वार्ता में इस परिषद का गठन का निर्णय 25 अप्रैल 2022 को। भारतीय जीवन बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र की इस बीमा कंपनी के IPO की औपचारिक घोषणा 28 अप्रैल 2022। ट्विटर का अधिग्रहण। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई द्वारा सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण करने हेतु समझौता 25 अप्रैल 2022। अधिग्रहण सौदे की राशि लगभग $44 बिलियन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी की एक कंपनी 19 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण MCAP हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी 27 अप्रैल 2022। भारतीय काजू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुत्तूर कर्नाटक में स्थित इस संस्थान के रजत जयंती भवन का लोकार्पण 31 मार्च 2022। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC यह कंपनी 40 मिलियन टन मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बनी 2 मार्च 2022 को। जम्मू कश्मीर बैंक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा यह बैंक वित्त वर्ष 2020-21 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 2022। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL यह कंपनी रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग से भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन LAB कंपनी बनी। मार्च 2022 को इस कंपनी को LAB के लिए BIS 127/95/2020 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL कंपनी का नाम है और यह कंपनी रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग से भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली LAB कंपनी बनी है, लीनियर अल्काइल बेंजीन, ठीक है, 2022 में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL भारत सरकार की यह महारत्न कंपनी है
भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुरस्कृत हुई। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुरस्कृत कौन सी? कोल इंडिया लिमिटेड CIL फरवरी 2022। भारत में G20 सचिवालय की स्थापना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संबंधी संरचनाओं की स्थापना हेतु मंजूरी 15 फरवरी 2022 को। यह सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। डाबर इंडिया लिमिटेड आयुर्वेदिक उत्पाद निर्माता। यह कंपनी 100% प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी फरवरी 2022 में। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली भारतीय FMCG कंपनी है। इन्वेस्ट इंडिया इस भारतीय स्टार्टअप को सर्वसम्मति से वर्ष 2021 से 23 तक के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज WAIPA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया अक्टूबर 2021। इनमारसैट होल्डिंग्स लिमिटेड भारत द्वारा इस ब्रिटिश सैटेलाइट ऑपरेटर को विमानों और शिपिंग जहाज़ों हेतु हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने को की मंजूरी प्रदत्त 20 अक्टूबर 2021 को। इस मंजूरी के साथ ही लंदन स्थित कंपनी इनमारसैट भारत से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने की मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली विदेशी ऑपरेटर बन गई है। TVS मोटर यह कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली भारत की पहली द्विपहिया निर्माता कंपनी बनी नवंबर 2021 को। तो TVS क्या बन गई है? यह कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय द्विपहिया मोटरसाइकिल वाली निर्माता कंपनी बन गई है नवंबर 2021 को। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया 28 अगस्त 2021 को। अब बात करते विधि और न्याय की, लॉ की। सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली। विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध। विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022। लोकसभा द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी गतिविधि के वित्त पोषण पर रोक लगाने से संबंधित यह विधेयक पारित 6 अप्रैल 2022 को। यह विधेयक सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2022 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 18 अप्रैल 2022। यह अधिनियम संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन करता है। इसमें त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में डारलोंग समुदाय को शामिल करने का प्रावधान है। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2022 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 8 अप्रैल 2022। इस अधिनियम में झारखंड में अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। शामिल किए जाने वाले समुदायों में खरवार, भोगता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी या द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी या खेरी, तमरिया, तमड़िया भी कहते हैं, और पुरान समुदाय हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखपाल और कंपनी सचिव संशोधन अधिनियम 2022 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 18 अप्रैल 2022 को। यह तीन अधिनियमों चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम 1980 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के द्वारा इन तीनों अधिनियमों में अनुशासनात्मक तंत्र में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित 22 मार्च 2022 को। इस विधेयक के अंतर्गत बल, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में यदि धर्मांतरण लालच, बल प्रयोग, कपटपूर्वक साधनों या बलपूर्वक किया जाता है तो 1 से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित 4 जनवरी 2022। इस विधेयक में दिल्ली में एक शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित 4 जनवरी 2022 को।
इस विधेयक में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में मनोनीत सदस्यों की सूची में एक और सदस्य जोड़ने का प्रावधान किया गया, जिससे मनोनीत सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी। कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित 23 दिसंबर 2021 को। विधेयक के अंतर्गत धन परिवर्तन कराने के मामले में नियम का उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल की सजा या कैद और 25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान, नाबालिग महिला और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के मामलों में 3 से 10 साल तक की सजा या कैद एवं कम से कम 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान। आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 24 नवंबर 2021। उद्देश्य, लोगों को पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से हतोत्साहित करना और उन्हें नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रेरित करना। इस विधेयक में प्रावधान है कि पंजीकरण की तारीख से 7 से 10 वर्ष पुराने वाहनों पर 4,000 रुपये प्रतिवर्ष हरित कर देना होगा। यदि वाहन 10 से 12 वर्ष पुराने हैं तो यह राशि 5,000 रुपये प्रतिवर्ष होगी। धन्यवाद।